राजस्थान एसोसिएशन ऑफ प्लास्टिक सर्जन्स की ओर से जयपुर के राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में एक सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार में SMS मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर दीपक माहेश्वरी, समाज सेवक कमल संचेती, वरिष्ठ प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर मालती गुप्ता, अतिरिक्त प्रिंसिपल और सेमिनार के अध्यक्ष डॉक्टर RK जैन मौजूद रहे। डॉक्टर RK जैन ने बताया कि सेमिनार का उद्देश्य ब्रेन ट्रीटमेंट के क्षेत्र में हो रही नई उन्नतियों से अवगत कराना है। हमारा जो बर्न और प्लास्टिक सर्जरी का डिपार्टमेंट है वो फ्लैग बियर है हॉस्पिटल का। हमारे यहाँ बहुत बड़े सारे सॉल्वर्ड हुए और अभी जो प्रेजेंट जो फैकल्टी है वो बहुत ही हार्ड वर्किंग है। हमारे यहाँ एक स्किन बैंक है जो नॉर्थ इंडिया का बेस्ट है और हमारे ऑलमोस्ट 150 से 200 पेशेंट्स पर ईयर ऑलमोस्ट बर्न के ट्रीट होते हैं। और हम सब लोग इस कोशिश में हैं कि हम एक इंस्टीट्यूट ऑफ बर्न एंड प्लास्टिक सर्जरी शुरू कर पाएँ। हम सब लोग मेहनत कर रहे हैं और चूँकि हमारी फैकल्टी और नो हाउ बहुत अच्छा है तो इसके लिए इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस बहुत इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ अभी जो नवीन तकनीक जो भी चल रही है और जो आपने स्किन बैंक की बात करी, स्किन बैंक पहले ही हम नॉर्थ इंडिया का फर्स्ट स्किन बैंक जो है वो यहाँ खोल चुके हैं और उससे अभी तक हमने करीब करीब हमारे 40 से 42 कॉल्स हमने रिसीव की। उसमें काफ़ी हद तक योगदान रहा है कमल संचेती जी का और उसमें से हम करीब करीब जो 40 कॉल हमने रिसीव की, मतलब 19 को हम मोबिलाइज कर पाए क्योंकि कुछ में कॉन्ट्राइंडिकेशन थे जिनमें हम नहीं ले सके और 10 व्यक्तियों को हम चमड़ी लगा पाए हैं जिनके कि इसके चमड़ी लगा के हम जान बचा पाएँ। आगे भी ऐसे प्रयास कंटिन्यूसली चलते रहेंगे और ऐसी कॉन्फ्रेंस का आयोजन हम लगातार जो हमारे राजस्थान एसोसिएशन ऑफ प्लास्टिक सर्जन्स है वो बिल्कुल इसके लिए कटिबद्ध है कि हम इस तरह के आयोजन लगातार करते रहें। सर,